छत्तीसगढ़ के पहले फूड पार्क के निर्माण पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी सरकार ने जो है वो अपने कार्यकाल में करवाया था। सरगुजा जिले के उल्किया गांव में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद इस फूड पार्क का निर्माण अब अधर में लटक गया है। इस फूड पार्क पर सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन फूड पार्क अभी भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। तस्वीर पूरी इस रिपोर्ट में देखिए। सरगुजा सब्जियों के खेती के लिए मशहूर है। यहाँ के किसानों के द्वारा उगाई गई सब्जियाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में भी भेजी जाती है। वहीं जब सब्जियों का बाजार में रेट कम हो जाता है, ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए यहाँ फूड पार्क के निर्माण की योजना थी और इसके लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत भी हुए, काम भी शुरू हुआ, लेकिन काम अधूरा है और अब इस काम को पूरा करने की दिशा में कोई पहल भी नहीं की जा रही है। योजना था फूड पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि यहाँ फूड का बिक्री काम, खरीदी बिक्री काम होना था, जो काम चालू था। अभी बीच में कारण क्या है वो तो नहीं बता पाएंगे, बाकी बंद हो गया। लेकिन अगर ये चालू हो जाता तो हम लोग को बेचने में ये नज़दीक होता, ट्रांसपोर्टिंग नहीं लगता और हम लोग को खुशी था कि यहाँ खुल जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा होगा। ग्राफिक्स में जानिए छत्तीसगढ़ के पहले फूड पार्क को। पूर्व खाद्य मंत्री के क्षेत्र में शुरू हुआ था फूड पार्क का निर्माण। सीतापुर जनपद के उलकिया गांव में हुई थी शुरुआत। पहले फूड पार्क का उद्घाटन 2023 को किया गया था। राज्य सरकार ने 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सरगुजा में 75% से ज्यादा लोग खेती किसानी का काम करते हैं। करीब 35% से अधिक किसान सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन सब्जी की खेती कर रहे किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस सरकार में सरगुजा जिले के हर ब्लॉक में फूड पार्क बनाया जाना था। इसके तहत उलकिया में फूड पार्क बनाया जा रहा था, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही फूड पार्क का निर्माण अटक गया। अब बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कुछ जनपदों में या पेपरों पे, कागजों पे सिर्फ मिली, मगर धरातल पे ये कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। तो निश्चित रूप से इस मामले में पिछली सरकार की ये योजना पूरी तरह विफल और फेल रही। और सरगुजा में भी जो राशि आई, इसका बंडर बांट करके इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। फूड पार्क का काम बंद होने से किसानों का सपना सपना ही रह गया। इधर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री द्वितेन मिश्रा भी मानते हैं कि पूर्व की सरकार की अच्छी योजना थी, लेकिन पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर सकी। अगर ये फूड पार्क बन जाता तो गांव के विकास के साथ युवाओं को भी काफी लाभ होता, लेकिन नहीं हो सका। हमारी भी सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिसको कि प्रदेश के मुखिया उस समय भूपेश बघेल जी और कैबिनेट और जो भी चिंतक लोग हैं वो सारे लोग ये तो चाहते हैं कि समग्र विकास हो, तो उस नाते बहुत सारी योजनाओं को लाते हैं। निश्चित रूप से यदि नहीं हुआ है मानेंगे तो सरकार की ही कमी है। बहरहाल करोड़ों की लागत से बन रहे फूड पार्क के निर्माण के काम के रुक जाने से सरगुजा के किसानों के चेहरे में मायूसी छा गई है और किसान सब्जियों को बिचौलियों के पास बेचने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।